हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे। सभी को गुड मॉर्निंग। आशा करते हैं सभी लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने रूम पर पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे, जो SW मिलता है मैनेज कर रहे होंगे। अमरदीप कुमार, हम भी ठीक है। बहुत अच्छा। कल लाइट प्रॉब्लम के कारण आंधी बारिश बहुत हो रही थी, इसलिए क्लास नहीं ले पाए थे आपका। बहुत अच्छा, सभी लोग जुड़ जाइए। नोटिस मिल चुका है आप लोग को, सभी लोग जुड़ जाइए। आज का क्लास जो है वह क्लास रिमोव टू का है, न्यू टॉपिक। और जैसे रिमोव टू समाप्त होगा तब हम लोग बुक पर आ जाएंगे। रिमोव टू आपका टॉपिक है, रिमोव टू को चालू करेंगे। जल्दी से सभी लोग जुड़ जाइए, अभी तक जुड़े हुए नहीं है। चलिए रिमोव टू शुरू करना है। 8 बजे एकदम पक्का छुट्टी देंगे, 8 बजे से पहले छुट्टी देंगे, क्योंकि आज से 11th का भी बैच हमें चालू करना है। 11th का भी बैच 8 बजे शुरू होगा, 11th का भी चालू करेंगे। ठीक है, बहुत अच्छे। तो क्लास पर चलें हम लोग। रिमूवल ऑफ टू क्या है? रिमूवल ऑफ टू अर्थात रिमूव टू। अब इस चैप्टर को आगे बढ़ने से पहले हम लोगों को यह समझना है कि यह चैप्टर किस तरीके से बनता है, आखिर यह चैप्टर में क्या हम लोगों को सीखने के लिए मिलेगा। एक देखिए, जैसे क्या होता है, रिमूव का मतलब क्या मिलता है? रिमूव का मतलब हो जाता है क्या? हटाना। रिमूव का मतलब हटाना। उसी रिमूव के माध्यम से बनाया गया रिमूवल, ठीक है। रिमूवल, रिमूव का भी मतलब होता है हटाना और रिमूवल का भी मतलब होता है हटाना। तो रिमूवल ऑफ टू इसी को हम लोग पढ़े, रिमूव टू। क्या पढ़ेंगे? रिमूव टू। तो यहां पर देखिए क्या है, टू को हटाना। यदि रिमूव टू का एक साधारण सा मेटर लिया जाए कि रिमूव टू किसे कहते हैं, तो रिमूव टू है क्या कि टू को हटाना रिमूव टू कहलाता है। रिमूव टू किसे कहते हैं? तो टू को हटाना रिमूव टू कहलाता है, क्योंकि इसका नाम ही है रिमूवल ऑफ टू। टू को हटाना रिमूव टू कहलाता है। अब इस पे माइंड लगाना,
इसमें क्या होता है, एक सेंटेंस पॉजिटिव होता है और एक सेंटेंस नेगेटिव होता है। पूरा ध्यान एक्टिव कीजिए किस तरीके से इसको बनाना है, माइंड लगाना है। इसमें बहुत ज्यादा नहीं, मात्र चार पॉइंट है और चार पॉइंट हम बताएंगे और जितना भी बुक में आप रिमूव टू देखेंगे सब आपका बन जाएगा। सिर्फ एक्टिव रहना है, चार पॉइंट क्या क्या है पहले इसको समझना है क्या है। रिमूवल ऑफ टू मतलब टू को हटाना, टू को हटाना ही रिमूव टू कहलाता है। व्हेन वी रिमूव टू इज कॉल्ड रिमूव टू, जब हम लोग रिमूव टू को हटाते हैं वही रिमूव टू कहलाता है। अब क्या है, इसमें दो सेंटेंस होता है, एक सेंटेंस पॉजिटिव हो जाता है और एक सेंटेंस निगेटिव हो जाता है। क्या होता है, एक सेंटेंस पॉजिटिव होता है और एक सेंटेंस निगेटिव होता है, जबकि दोनों का अर्थ जो होता है सेम होता है। अब माइंड लगाइए, एक सेंटेंस पॉजिटिव होगा और एक सेंटेंस निगेटिव होगा, लेकिन दोनों का अर्थ जो होगा सेम होगा, वो कैसे हो सकता है, तो उस पर माइंड लगाना है। अब जैसे टू को हटाना रिमूव टू कहलाता है। जैसे एक सेंटेंस मान लीजिए कि ही इज पुअर और दूसरा मानिए ही इज नॉट रिच, दोनों सेंटेंस आया हुआ है, ही इज पुअर और ही इज नॉट रिच। यदि हम इस पर बातचीत करते हैं ये रिमूव टू अभिषेक बोल रहे हैं पढ़ाया हुआ है तो सिर्फ 6 से 7 बैच था जिसमें ये हो चुका था, बाकी कोई भी बैच ऐसा नहीं था जिसमें यह पॉइंट पढ़ाया गया था। तो हमको सब बैच लेकर के चलना है, सिर्फ आपको नहीं। चलिए अब इसको देखते हैं। अब जैसे ही इज पुअर और ही इज नॉट रिच, यहां पर क्या है, ही इज पुअर आपका पॉजिटिव सेंटेंस है और ही इज नॉट रिच यह आपका नेगेटिव सेंटेंस है। ध्यान देना, ही इज पुअर पॉजिटिव सेंटेंस है और ही इज नॉट रिच नेगेटिव सेंटेंस है। लेकिन दोनों का हिंदी देखिए क्या कहता है, वह गरीब है वह अमीर नहीं है, वह अमीर नहीं है मतलब वह गरीब है, वह गरीब है मतलब वह अमीर नहीं है। दोनों पॉइंट को यदि हम लोग देखते हैं तो क्या मिल जा रहा है, वह गरीब है और वह अमीर नहीं है। सेंस दोनों को देखिए तो सेंस दोनों का एक है। सेंस क्या है, सेंस दोनों का एक है लेकिन सेंटेंस कोई पॉजिटिव है और कोई निगेटिव है। यहां तक तो कंप्लीट आ रहा है। टू को हटाना है, अब उसमें टू को हटाने वक्त क्या होगा, एक सेंटेंस पॉजिटिव हो जाएगा और एक सेंटेंस निगेटिव हो जाएगा, बस यही है। और एक नंबर का आपके बोर्ड एग्जाम में भी पूछेगा यदि इसको देखा जाए तो, 1 मार्क्स के लिए यह इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर के लिए यह इंपॉर्टेंट होता है। तो ही इज पुअर पॉजिटिव सेंटेंस, ही इज नॉट रिच या नेगेटिव सेंटेंस हो गया। अब दोनों का हिंदी क्या है, सेम है। अब दोनों का हिंदी सेम है, अब इसको लेकर के चलना है। रिमूव टू कंप्लीट हुआ, क्या है, टू को हटाना रिमूव टू कहलाता है। इसमें 2 सेंटेंस आएगा, 1 सेंटेंस पॉजिटिव होगा और 1 सेंटेंस नेगेटिव होगा, जबकि दोनों का हिंदी अर्थ सेम होता है। टू को हटाना रिमूव टू कहलाता है, एक सेंटेंस इसमें 2 सेंटेंस आता है, 1 सेंटेंस पॉजिटिव आता है और 1 सेंटेंस नेगेटिव आता है, जबकि दोनों का हिंदी अर्थ सेम होता है। ठीक है यहां तक। अब इसको क्या करना है, हाउ टू फ्रेम रिमूवल ऑफ टू, हाउ टू फ्रेम रिमूवल ऑफ टू। अब इसमें क्या है कि रिमूव टू को कैसे बनाए, रिमूव टू को कैसे बनाए। इसमें देखिए यदि एग्जिलरी वर्ब की हम बात करें तो एग्जिलरी वर्ब चैप्टर आपका पढ़ाया नहीं गया है, आएगा एग्जिलरी वर्ब चैप्टर। लेकिन एग्जिलरी वर्ब में क्या करना है,
जैसे हम लोग पहले से जानते हैं, टेंस पढ़ चुके थे आप क्लास में, जैसे इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, ये तो आप लोग अच्छे तरीके से जानते हैं। अब उसी को थोड़ा कन्वर्ट करना है मॉडल में, जैसे कैन हो जाता है। अब ध्यान देना है यहाँ पे, हाउ टू फ्रेम रिमूवल ऑफ टू, टू चेंज इन टू दैट। अब यहां पर क्या मिल रहा है, आप लोग स्क्रीनशॉट लेने के इंतजार में नहीं रहेंगे, बल्कि इसको जिस तरीके से हम नोट करवाते चले जाते हैं, आप नोट करते चले जाएंगे। अब देखिए क्या है, हाउ टू फ्रेम रिमूव टू, रिमूव टू को कैसे बनाएं। इसमें क्या कहा, प्रेजेंट एक्शन में कौन आता है, इज, एम, आर, ये चेंज हो जाता है कैन में, और फिर वाज, वेयर चेंज इनटू कुड में, और टू चेंज इनटू सो, और टू चेंज इनटू दैट। अब इसको देखिए क्या बताएगा शुरू में, कि इसको जो है ना ये निगेटिव होता है, तो आप कांट लिख सकते हो या कैन नॉट, ऐसे करना पड़ेगा, ये सेंस है। सीधा आप समझ लेना, क्या इज, एम, आर चेंज हो जाएगा कैन नॉट में, वाज, वेयर चेंज हो जाएगा कुड नॉट में, टी, डबल ओ चेंज हो जाएगा सो में, और टी ओ चेंज हो जाएगा दैट में। टी ओ चेंज किस में हो जाता है, दैट में। लिख चुके हैं यहां तक। अब यहां क्या करना है, इज, एम, आर किस में चेंज हो गया कैन नॉट में, वाज, वेयर किस में चेंज हो गया कुड नॉट में। अब स्टेप फर्स्ट लेना है, रिमूव टू खास भारी चैप्टर नहीं है, बहुत आसान चैप्टर है, यदि माइंड लगाए तो पूरा समझ जाएंगे। एक एग्जांपल, जैसे he is too weak to walk, he is too weak to walk, इसको थोड़ा नीचे लिखें, क्या है, he is too weak वॉक, यहां तक सवाल है। अब एक एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल पर पूरा माइंड लगाइए, पूरा सभी एग्जाम्पल बनने वाला है, बस एक एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल किस तरीके से सीखना है। पहले क्या बताएगा, टू को चेंज करना है, रिमूव टू का मतलब क्या हो गया, टू को चेंज करना है, ये तो कंप्लीट है। अब टू को चेंज कैसे करना है, तो वो आपको मैटर मिल गया है। अब इसमें क्या है, एक सेंटेंस पॉजिटिव होगा और एक सेंटेंस नेगेटिव होगा। अब क्या करना है, देखिए यहां टी डबल ओ है और यहां पर क्या है, टी ओ, एक है टी डबल ओ और एक क्या है, टी ओ, तो ही इज टू वीक टू वॉक। अब यहां पर जैसे दो राउंड लेना है, कितना राउंड लेना है, दो राउंड, पहला राउंड में टू को चेंज करना है, दूसरा राउंड में सेंटेंस को चेंज करना है। पहला राउंड चलिए, ही हो गया, एज हो गया, टू को किस में, सो में, अब फिर वीक हो गया, फिर जाकर के इस टू के लिए क्या आ गया, दैट आ गया, ही इज सो वीक दैट आ गया, यहां तक मिल चुका है। अब क्या करना है कि यहां से फिर से सेंटेंस पर चले जाइए, तो ही है यहां पे, तो ही ले लिए, ठीक। अब यहां पे इज है, इज बताया गया था किसमें चेंज होता है, कैन नॉट में, कैन नॉट हो गया, इसका 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 काम हो चुका है, बचा क्या, वॉक।
अब यहां पे लिख देते हैं हम लोग क्या वाक कंप्लीट है. ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक. ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक. बन सकेगा? समझ में आया? नहीं समझ में आया? देखिए इसमें क्या करना है, इसमें दो राउंड है, दो राउंड को बनाना है. पहला राउंड टू को चेंज कर लेना. अब देखिए यहां पर टू तक आया हुआ है तो ही इज इस टू को सो में चेंज करते हैं, वीक हो गया, इस टू को दैट में चेंज किए. अब जैसे यहां पर दैट देखिए तो दैट क्या है, एक कंजक्शन है. तो दैट जैसे कंजक्शन है तो आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच में बताए थे कि कंजक्शन वह होता है जो दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है या दो वर्ड्स को जोड़ने का काम करता है. तो यहां पर तो हम वर्ड्स नहीं पढ़ रहे हैं बल्कि क्या पढ़ रहे हैं, सेंटेंस टाइप को. तो जैसे सेंटेंस मिला तो यह भी एक सेंटेंस है आपका. तो जैसे यहां कंजक्शन आया तो इधर भी तो एक सेंटेंस होना चाहिए ना. अब ऐसा नहीं कि दैट हुआ, दैट की जगह हम वाक लिख दिए इसके बाद, तो ऐसा मैटर पूरा गलत हो जाएगा. अब क्या करना है हम लोग को, जैसे दैट यहां पर आया तो दैट एक कंजक्शन है, तो जैसे कंजक्शन मिला तो कंजक्शन के तुरंत बाद हमें एक सेंटेंस चाहिए. तो सेंटेंस कैसे होता है, सब्जेक्ट होता है, भर होता है और ऑब्जेक्ट होता है. तो सब्जेक्ट आपको लेना ही हो गया. अब उसके बाद इज था तो प्रेजेंट एक्शन किसमें, कैन नॉट में चेंज हो जाता है और यहां पर जो वाक था वो वाक आ जाता है. अब जैसे यू आर टू लेजी टू अराइज सून. अब इसको बनाइए तो यू आर टू लेजी टू अराइज सून, इसको बनाना है. ठीक है, इसको बना के भेजो जल्दी से, सेंड करना है इसको बना के. समझ गए होंगे, बनाना है इसको, बनाना है. एक बार फिर से इसको समझते हैं. दो राउंड है, पहला राउंड क्या है, टू को चेंज करना है. अब यहां पर क्या मिल गया, यू हो गया. अब उसके बाद आर है, टू का क्या हो गया, सो. अब यहाँ पे लेजी है तो लेजी का लेजी हो गया. अब यहाँ पे ये टू है तो टू का दैट हो गया. अब दैट एक कंजक्शन है, इसको सेंटेंस चाहिए तो फिर से बैक आना पड़ेगा. तो यू हो गया, यहाँ पर से उठा लिए, यू हो गया. अब यहाँ पर क्या है, आर. तो इज एम आर किस में चेंज होता था, कैन नॉट में, कैन नॉट हो गया. अब यहाँ से यहाँ तक इसका काम हो चुका है, बचा क्या, अराइज. तो अराइज लिख दिए और था क्या, सून. तो अराइज सून. हिंदी भी हम बताएंगे, एक बार हिंदी बता देंगे तो पूरे का हिंदी कंप्लीट हो जाएगा. पहले इंग्लिश समझ लीजिए, हिंदी के मुताबिक इंग्लिश यहाँ पे आसान है. यू आर टू लेजी टू अराइज सून. सो यू आर सो लेजी दैट यू कैन नॉट अराइज सून. कंप्लीट है. अब एक और सेंटेंस लीजिए. अब यहां देखिए, राजू वाज टू फैट फॉर अ वॉच. अगला स्टेप का एग्जांपल आ गया था, ये स्टेप अभी फिलहाल आगे है. अब यहां पर क्या करना है, तो जैसे राजू वाज टू फैट टू बी एन आर्मी. अब बना करके इसको भेजो जल्दी से. क्या है, पहला टू को चेंज करना है. तो यहां पर राजू है तो राजू ले लिए, राजू वाज. अब यहाँ पे टू सो में चेंज हो गया. अब यहाँ पे फैट है, फैट ले लिए. इस टू के लिए क्या, दैट आ गया. अब यहाँ पर से फिर से बैक जाना है. अब यहाँ पर क्या है कि हमेशा नाउन नहीं, नाउन के बदले प्रोनाउन आता है. तो जैसे प्रोनाउन आएगा तो राजू का क्या निकल जाता है, ही. तो ही आ गया. फिर वाज वेयर किस में चेंज हो जाता है, कुड नॉट में. तो जैसे ये कुड नॉट हुआ, बाकी सभी उतार दीजिए. बी एन आर, बी एन आर. अब कोई भी नाउन हो तो नाउन के बदले किसका यूज करना है, प्रोनाउन का. संज्ञा के बदले सर्वनाम. तो संज्ञा बताया गया था, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं और
संज्ञा के बदले में जिसका यूज होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। तो जैसे राजू हो गया, तो राजू तो संज्ञा है, संज्ञा पे यहाँ पे नहीं लिया जाता, बल्कि क्या लिया जाएगा, राजू के बदले ही लिया जाएगा। अब तो कंप्लीट है। इसी जगह रानी होती तो सी लिया जाता। मैटर क्लियर है? जल्दी से जल्दी से जल्दी से बोलना है। क्लियर हुआ? वाह, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। हम दो एग्जांपल, और 11th का बैच भी 8 बजे से चालू होगा। 11th का बैच भी 8 बजे से चालू होगा, पूरा बेसिक से। एकदम क्लियर है? बहुत अच्छा। हम दो तीन एग्जांपल और दे रहे हैं, उसको बनाइए, उसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे। इसको बनाना है, बना के जल्दी से भेजना है, या जो लोग कॉपी में नोट कर रहे हैं कॉपी में नोट करते चले जाएं। इसको जल्दी से बना के भेजना है। इलेवेंथ का बैच एकदम जीरो लेवल से चालू करेंगे। पहले इसको कंप्लीट कीजिए। ये चार पॉइंट है आपके पास, चारों पॉइंट को बनाइए। एकदम जल्दी से जवाब देना है, जल्दी से। बना सवाल, सवाल का जवाब लेना है। वाह, बहुत अच्छा। योर ब्रदर का क्या लिए हैं? ही। वाह, मीरा कुशवाहा, बहुत अच्छा। श्रीकांत, बहुत अच्छा जवाब दे रहे हो। इसका मतलब है मैटर यह क्लियर हो गया है, आगे बढ़े हैं। ठीक है, बहुत अच्छा। अब एक बार बना लीजिए इसको, क्या है योर ब्रदर। पहला राउंड क्या, टू को चेंज करना, तो टू किस में चेंज हो गया, सो में। उसके बाद क्या हो जाएगा, लेजी। फिर इस टू का क्या हो जाएगा, दैट। यहां तक क्लियर है? फिर यहां से बैक चलेंगे तो योर ब्रदर है, ब्रदर का प्रोनाउन क्या निकलता है, ही। तो ले लिया क्या, ही। अब यहाँ पे एक्शन कौन सा है, प्रेजेंट, तो प्रेजेंट के लिए क्या ले लेते हैं, कैन नॉट, ही कैन नॉट। और फिर यहां पर क्या आ गया,
रन फास्टली, ही कैन नॉट रन फास्टली। अब यहां पे देखिए क्या मिल गया, रानी, तो कैसे बना लेंगे इसको, रानी इज सो पुअर दैट, टू के लिए दैट आ गया। अब सेंटेंस को बैक करना है तो रानी के लिए प्रोनाउन क्या निकलता है, सी, तो यहां पर क्या आ जाएगा, सी एक्शन प्रेजेंट है तो क्या आ जाएगा, कैन नॉट, सी कैन नॉट बाय ए कार, सी कैन नॉट बाय ए कार। अब देखिए यहां पर क्या मिल गया, राजेश, तो राजेश ले लिए, राजेश वाज, अब फिर टू के लिए क्या लेते हैं, सो, और उसके बाद क्या हो जाएगा, पुअर, फिर यहां पर क्या आ गया, टू, टू के लिए दैट, राजेश वाज सो पुअर दैट, राजेश के लिए प्रोनाउन क्या निकलता है, ही, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, कुड नॉट, ही कुड नॉट, और फिर उसके बाद बी ए लीडर, ही कुड नॉट बी ए लीडर, कंप्लीट। अब इसको बनाइए, क्या है, ही वाज सो स्लो, ही वाज सो स्लो दैट, ठीक, अब यहां पर से ही है तो ही कुड नॉट, पास्ट में है तो ही कुड नॉट, कुड नॉट को कुडंट भी लिख सकते हैं, बी ए रनर, ही कुड नॉट बी ए रनर, ही वाज सो स्लो दैट ही कुड नॉट बी ए रनर, क्लियर आ रहा है। अब यहां पर क्या मिल गया, देखिए ही वाज टू स्लो टू बी ए रनर, तो ही वाज टू को सो में ले लिए, स्लो हो गया, ये टू को दैट में ले लिए, अब यहाँ पे बैक आया तो ही हो गया यहाँ पे, फिर उसके बाद ये वाज वेयर में था तो वाज वेयर कुड नॉट बी ए रनर, पूरा कंप्लीट है आप लोग का, जवाब देते चल जाएंगे, बहुत अच्छा बन गया, बन गया, ऑल क्लियर, वाह, स्ट्रगल इज लाइफ, यस, एकदम ऑल क्लियर है सभी का, बहुत अच्छा। अब देखिए अब क्या करना है इसमें, ये तो इंग्लिश का पॉइंट हो गया, पहला पॉइंट आपका समाप्त हो रहा है, और भी इसमें है थोड़ा बताएंगे, लेकिन पहला पॉइंट में क्या आया कि इसका हम लोग हिंदी कैसे जानते हैं, दोनों का हिंदी देखिए सेम है, अब इसके हिंदी को जानने के लिए क्या करना है, अब जैसे हिंदी टी डबल ओ का या ये टी डबल ओ का हिंदी ले लीजिए, इतना नहीं, ठीक, और सो का हो जाता है क्या, इतना, और जैसे दैट मिलता है, दैट का क्या हो जाता है, कि, ताकि, तो, अभी यहां पर क्या आएगा, कि, इतना से ही आपका पूरा हिंदी निकल जाएगा, इसको नोट कर लीजिए, पूरा हिंदी ये निकल जाएगा, ठीक, इसको नोट कर लीजिए, हिंदी हम एक बार बता देंगे, पूरा हिंदी क्लियर हो जाएगा, जिस तरीके से इंग्लिश वाला ये मैटर कंप्लीट हो गया उसी तरीके से ये मैटर का हिंदी भी आप निकाल लोगे अच्छे तरीके से, टू का मतलब क्या मिल जाता है, इतना या फिर नहीं, ये इतना नहीं, सो मतलब यहां पर इसलिए नहीं देंगे, सो का मतलब इसलिए कब होता है, जब वह कंजक्शन का काम करता है, लेकिन यहां पर सो इतना इसलिए होगा क्योंकि यह कंजक्शन नहीं बल्कि एक वर्ड का काम कर रहा है, दैट यहां कंजक्शन का काम कर रहा है, तो दैट का हिंदी वह नहीं होगा बल्कि दैट का होगा क्या, की ताकि तो, की ताकि तो। अब एक सेंटेंस लीजिए, जैसे यहां पर क्या है, राजेश वाज टू पुअर टू बी ए लीडर, राजेश इतना गरीब था कि वह नेता बन नहीं सकता, टू है, टू यदि एक सेंटेंस लें तो टू पॉजिटिव भी है और टू खुद में नेगेटिव भी है, तो इसको तो आपको डायरेक्ट लेना पड़ेगा नेगेटिव के साथ, और उसी को हम लोग पूरा डिटेल जब करते हैं तो इसका देखिए हिंदी पर जैसे आप जाओगे तो पूरा इसका हिंदी निकल जाएगा, आप कैसे, राजेश वाज सो पुअर, एकदम बिंदास समझना,
राजेश इतना गरीब था कि वह नेता बन नहीं सकता। क्लियर? राजेश इतना गरीब था कि वह नेता बन नहीं सकता। अब देखिए यहाँ पर क्या गया, He was too slow to be a runner. वह इतना धीरे था कि वह धावक बन नहीं सकता। कि वह धावक बन नहीं सकता, ये पूरा हिंदी नहीं फेंकता है, सेंस के अनुसार से फेंकता है और ये हिंदी पूरा फेंकता है। जैसे वह इतना धीरे था कि वह धावक बन नहीं सकता। कंप्लीट, हिंदी क्लियर हुआ? क्या हो गया, वह इतना धीरे था कि वह धावक, रनर मतलब क्या, धावक, धावक बन नहीं सकता। अब तो कंप्लीट है, हिंदी भी हो जाएगा अब इसका। एक सेंटेंस और लीजिए, जैसे यू आर टू लेजी टू अराइव सून इन द मॉर्निंग। हालांकि ये सेंटेंस एक बार पहले बता चुके थे, अब इसको कंप्लीट लीजिए आप अपने से, इसको बनाइए और इसका हिंदी भी निकालने के लिए सिखा दे रहे हैं। अब इसका हिंदी देखिए, पहले इसको बनाइए, क्या बन जाएगा, यू, फिर जाके क्या है, यू आर सो लेजी, यू आर सो लेजी, फिर जाकर के क्या हो जाएगा, यू आर सो लेजी दैट, फिर यहां से लीजिए यू आर है कैन नॉट अराइज सून इन द मॉर्निंग। बना, हिंदी निकालने के लिए समझ जाइए। ऐसे तो रिमूव टू पूरा कंप्लीट है, पहला पॉइंट का, पहला पॉइंट पूरा कंप्लीट है। वाह बहुत अच्छा, एकदम बहुत अच्छे तरीके से बना रहे हो सभी लोग, बहुत अच्छा। अब इसका हिंदी देखिए क्या है, यू आर टू लेजी टू अराइव सून इन द मॉर्निंग। ये हिंदी जो है यह छुपा के हिंदी देता है और ये जो हिंदी है ये प्रकाशित कर देता है। आप इसका हिंदी कंप्लीट निकालोगे, इसमें थोड़ा दिक्कत होता है, आप इतना आलसी हैं कि सुबह में जल्दी जग नहीं सकते। आप इतना आलसी हैं कि सुबह में जल्दी जग नहीं सकते, और इसमें क्या आ गया, पूरा हिंदी कंप्लीट है, आप इतना आलसी हैं कि आप सुबह में जल्दी जग नहीं सकते। बताया गया था कि सेंटेंस कैसे पकड़ना है, शुरू जाना है, सीधा लास्ट जाना है, बैक टू बैक आना है, चाहे वो हिंदी हो इंग्लिश बन जाएगा, इंग्लिश हो हिंदी बन जाएगा, ट्रांसलेशन पॉइंट भी आएगा, लैंग्वेज में बताएंगे इसको। अब देखिए क्या है, यू आर सो लेजी दैट यू कैन नॉट अराइव सून इन द मॉर्निंग। आप इतना आलसी हैं कि आप सुबह में जल्दी जग नहीं सकते। कंप्लीट है यहां तक? एक्सेप्शन देखना है, एक एक्सेप्शन होता है, इस एक्सेप्शन को ध्यान देना है। जी सर, और क्लियर? बहुत अच्छा बिंदास, ठीक। अब है क्या, एक एक्सेप्शन है, जैसे द ट्री इज टू हाई टू क्लाइम, द ट्री इज टू हाई टू क्लाइम,
देखिए कैसा सेंटेंस आया, द ट्री इज टू हाई टू क्लाइंब। अब इसको बनाना है, बनाना है, बनाना है इसको। द ट्री इज टू हाई टू क्लाइंब, कंप्लीट कीजिए। तो द ट्री इज टू हाई टू क्लाइंब, थोड़ा प्रॉब्लम होगा, बस थोड़ा प्रॉब्लम होगा। अभी देखिए जैसे आप लोग पहले वाला मैटर्स को बनाए, इसमें भी टू है, यहाँ भी टू है, सब कुछ आप बना डालिए। यहाँ पर देखिए इधर ट्री है, तो रामू का ही लेते थे, रानी का सी लेते, तो ट्री का क्या ले लेंगे, इट ले लेंगे। उस आधार से आप पूरा कंप्लीट इसको बनाइए, गलती होगा तो पूरा हम बताएंगे इसको। अब इसको बनाना है, इसमें क्या आ जाएगा, जैसे देखिए द ट्री इज टू का क्या सो हाई, फिर जा करके दैट, मैसेज बंद करके इसको समझ जाइए, ये एक्सेप्शन में है। द ट्री इज सो हाई दैट, अब यहां पर हम लोग क्या लेते, इट कैन नॉट क्लाइंब। अब ये किए होंगे शायद कुछ लोग, वाह बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, जो लोग जवाब दे रहे हैं बहुत अच्छा। इट कैन नॉट क्लाइंब, यहां पर सवाल है। अब थोड़ा मैसेज बंद कीजिए और इसको पहले समझ जाइए। अब इसको समझना क्या है, देखिए द ट्री इज सो हाई दैट इट कैन नॉट क्लाइंब, तो इसका कोई सेंस ही नहीं आएगा। हिंदी निकालिए तो वृक्ष इतना ऊंचा है कि वृक्ष चढ़ नहीं सकता। अब वृक्ष चढ़ नहीं सकता तो ये कौन सा सेंस आ गया। अब यहां पर क्या लेना पड़ेगा, ये होगा ये सेंटेंस, द ट्री इज सो हाई दैट। अब यहां पे या तो वी लीजिए या तो एनी वन लीजिए या तो एनी बडी लीजिए, उसके बाद होगा कैन नॉट क्लाइंब, तब जाकर के स्त्री का प्रोनाउन आएगा लास्ट में इट। एक्सेप्शन थोड़ा सा अलग होता है, एक्सेप्शन पर थोड़ा ध्यान देना जरूरी होगा। एकदम सही ढंग से इसको कंप्लीट कीजिए, देखिए क्या हो गया, द ट्री इज सो हाई दैट, या तो आप वी लो या तो एनी वन लो या तो एनी बडी लो, फिर कैन नॉट क्लाइंब इट। ठीक है, अब इसी जगह वन भी ले सकते हैं, वन भी लिया जाता है, और इसी जगह नन लेते हैं, नन नन मतलब कोई भी नहीं, तो कोई भी नहीं तो निगेटिव हो गया, तो यहां से नॉट हटा लेंगे, लेकिन जनरली यही से आप बनाइए तो ज्यादा अच्छा है। क्या हो गया एक बार फिर से समझ जाइए, द ये तो बनेगा नहीं, ये गलत हो गया, द ट्री इज सो हाई दैट वी एनी वन एनी बडी कैन नॉट क्लाइंब इट, या तो आप वी दे सकते हो या तो एनी वन दे सकते हो या तो आप एनी बडी दे सकते हो, बिंदास कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं। हाँ तो अब इसका हिंदी देखो कंप्लीट हो जाएगा, ब्रिक्स इतना ऊंचा है, ब्रिक्स इतना ऊंचा है कि हम लोग इस पर चढ़ नहीं सकते। कंप्लीट, कोई भी व्यक्ति इस पर चढ़ नहीं सकता। अब तो बन जाएगा, या तो यहां पे वी लेना है या तो एनिमल लेता है या तो फिर एनीबडी लेना है, तो फिर यह कंप्लीट होगा। इस जगह पर इट डायरेक्ट नहीं आएगा क्योंकि यह एक्सेप्शन में, और एक्सेप्शन का कोई रूल नियम कायदा कानून नहीं होता है। मैटर कंप्लीट है। अब इसी तरीके से एक एग्जांपल और है इस एक्सेप्शन का, उसको बना दो, सेम एग्जांपल, द माउंटेन वाज टू हाई टू क्लाइंब, बनाइए इसको, द माउंटेन वाज टू हाई टू क्लाइंब। सेम सवाल है, इस पे दिक्कत नहीं होना चाहिए, आप तीन में से कोई भी ले सकते हो, एनीवन एनीबडी या फिर भी कोई भी लेकर के बनाओ जल्दी।
एकदम जल्दी से। हाँ राजीव कुमार, लास्ट में ईट होगा, अगर शुरू में ईट देते हैं तो वह सेंस नहीं दे पाता है, इसलिए लास्ट में ईट होगा। सक्सेस लाइफ बिंदास, बहुत अच्छा आंसर दे चुके हो आप। सौरभ एस मनी, वाह बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा जवाब दे रहे हो। दैट वी कुड नॉट क्लाइम इट, वाह। ब्यूटी कुमारी, अभिषेक, नीतीश, बहुत अच्छा जवाब दी। चलो इसको बना लेते हैं, क्या बन जाएगा ये? द माउंटेन, द माउंटेन वाज सो हाई, द माउंटेन वाज सो हाई, यहां पर आ गया दैट। अब इसको फिर से लेना है, यहां पर माउंटेन है, माउंटेन जैसे यहां ईट लेते हैं तो वह हिंदी सेंस नहीं देता है, इसीलिए एक्सेप्शन बना दिया जाता है। तो या तो वी ले लो आप, या तो एनी वन ले लो आप, या तो एनी बडी ले लो आप, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है? वाज, तो वाज किस में आ जाएगा? कुड नॉट में। अब यहाँ पर क्या है? क्लाइंब, क्लाइंब मिल गया, और इसका प्रोनाउन क्या हो जाता है? इट। तो पहाड़ इतना ऊंचा था कि हम लोग या कोई भी व्यक्ति इस पर चढ़ नहीं सकता, पहाड़ इतना ऊंचा था कि कोई भी व्यक्ति इस पर चढ़ नहीं सकता। बहुत अच्छा जवाब दिए प्रिंस कुमार, सभी का बिंदास है। अब इसका मतलब है पहला स्टेप आप लोग का क्लियर हो चुका है, यही एक एक्सेप्शन है जो थोड़ा परेशान करता है, बाकी कोई एक्सेप्शन इस पहले पॉइंट पर नहीं है। कंप्लीट है भाई, आप लोग जल्दी बताओ। जी सर क्लियर है, संतोष कुमार राज, बहुत अच्छा। काजल कुमारी, बहुत अच्छा जवाब है आपका, बहुत अच्छा, क्लियर है सर जी, क्लियर है, क्लियर है। मैं भी बना लिया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा जवाब है। जी सर एकदम क्लियर, तो सेकंड नंबर पर जाएं। यस सर कंप्लीट है, नो प्रॉब्लम, वाह बहुत अच्छा। तो थोड़ा सा रिवाइज इसको देना, और भी यह माइंड में अच्छे तरीके से सेट हो जाएगा, रिमोट तो में दिक्कत नहीं होगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा जवाब दे रहे हो। चलो अब जाते हैं दूसरा नंबर पे, स्टेप नंबर टू चालू कर। अब चले हम लोग स्टेप नंबर टू पे। बहुत अच्छा, छुट्टी देंगे थोड़ा, दूसरा स्टेप समझ जाते हैं, दूसरा एकदम सेम है, ठीक। उसके बाद मेरा भी 11th शुरू होने वाला है, आप लोग जो भी फ्रेंड है छोटे हैं उनको आप इंफॉर्मेशन दे देंगे कि सर का आज से बैच 11th का शुरू होगा, एकदम बेसिक से हम लेंगे। ठीक, SW आज नहीं सुनेंगे, SW अगले दिन सुनेंगे, आज SW देना है क्योंकि कल क्लास हो नहीं पाया था। अब देखिए दूसरा स्टेप पर हम लोग बातचीत करते हैं। तो पहला स्टेप में क्या हम लोगों ने सीखा कि पहला स्टेप पर माइंड लगाइए जो हम बोलने वाले हैं, पहला स्टेप में दो टू नजर आता था, एक TOO होता था और एक TO होता था। तो TOO को हम लोग सो में चेंज कर लेते थे और TO को हम लोग दैट में चेंज कर लेते थे, ऐसा सिचुएशन था, वहां पर दो टू था। अब क्या करना है ये देखिए, जैसे ही इज टू पुअर फॉर ए लीडर, दूसरा पॉइंट में कुछ नहीं है, बस एक मिनट माइंड लगाइए, दूसरा पॉइंट पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। हम एग्जांपल देंगे तो भी, नहीं देंगे तो भी। अब क्या करना है, ही इज टू पुअर फॉर ए लीडर, He is too poor for a leader. अब इसमें क्या करना है, माइंड लगाइए, माइंड लगाइए इसमें, यहां पर टू था, यहां पर भी टू था, लेकिन ये टू को हटा करके क्या कर दिया, फोर।
तो हम लोगों को इस फोर को फोर नहीं समझना बल्कि टू समझ के बना देना है। क्लियर है? अब जैसे यहां पर क्या गया, ही इज टू पुअर फॉर अ लीडर। अब जैसे यहां पर देखिए टू है, तो टू को हम लोगों को तो सो में चेंज करना ही है। यहां पर टू था तो इसके लिए हम लोग दैट लेते थे, अब जो टू है वो बन गया क्या फोर। तो हम लोगों को फोर नहीं समझना, इसको टू समझ लेना। जैसे टू हम लोग समझे तो सीधा दैट में चेंज हो जाएगा, दैट में चेंज हुआ तो पूरा मैटर कंप्लीट है, नहीं बना पाएंगे। बन जाएगा, आप बनाओ, बन जाएगा। अब देखो यहां पर क्या आ गया, He is टू का क्या हो गया सो, अब यहां पर क्या आ गया पुअर, अब यहां पे फोर का क्या हो गया दैट। ठीक, अब यहां पर से बैक लेते हैं, ही हो गया, इज एम आर का क्या कैन नॉट हो गया। अब फिर उसके बाद क्या है, ए लीडर, कैन नॉट ए लीडर। अब यही जगह पर थोड़ा सा माइंड लगाना है, क्योंकि यदि हम लोग ऐसा कर देते हैं तो इसका हिंदी नहीं निकलेगा, और यदि एक मैटर डाल देते हैं तो हिंदी पूरा निकल जाएगा। जैसे देखिए क्या है, वह इतना गरीब है कि वह नेता नहीं सकता। नेता नहीं सकता क्या, सेंस देखिए छुपा हुआ है, नेता बन नहीं सकता। तो यहां पर क्या ले लेंगे, He is so poor that, ठीक, He cannot be a leader। भी यहां पर इसलिए ले देना होगा ताकि इसका हिंदी पूरा क्लियर निकल जाए। अब जैसे वह इतना गरीब है कि वह नेता बन, कि वह नेता बन नहीं सकता। अब कंप्लीट है, वह इतना गरीब है कि वह नेता बन नहीं सकता। तो ऐसे सेंटेंस में जैसे कैन हो गया, तो यह तो एक मॉडल एग्जेक्टिव वर्ब, इसके बाद कोई ना कोई वर्ब चाहिए, तो वर्ब के लिए आपको देना पड़ेगा क्या बी, बी के सिवाय कोई काम नहीं करेगा। कंप्लीट है यहां तक? अब एक एग्जांपल और हो, जैसे यू आर टू ऑनेस्ट फॉर ए ब्राइबर। ब्राइबर मतलब होता है घुसखोर, घुस लेने वाला व्यक्ति। यू आर टू ऑनेस्ट फॉर ए ब्राइबर। अब इसको बनाना, एकदम बहुत अच्छा जवाब दे रहे हो। अब क्लास का भी टाइम होता जा रहा है, अब जल्दी से इस सवाल का जवाब दो, ये भी पॉइंट क्लियर है, जल्दी से इसका जवाब देना। अब देखो क्या है, You are too honest for a bribe। बनाओ इसको, क्या बन जाएगा, You are too का क्या so honest, You are so honest, फिर जाके क्या मिल जाएगा that, You are so honest that। अब यहां से लेना क्या है You, फिर जाके क्या आ जाएगा cannot be a bribe। आप इतना ईमानदार हैं कि आप एक घुसखोर बन नहीं सकते। आप इतना ईमानदार हैं कि आप एक घुसखोर बन नहीं सकते। जैसे फोर मिला, इसको तो हम लोग चेंज कर लिए, तो उसमें स्पेशल क्या डाल देना है, बी डाल देना है। तो जैसे बी डालेंगे तो वो चीजें हो जाएगा। एक लास्ट सवाल, राजू वाज टू लेजी, या शॉर्ट करो इस जगह, शॉर्ट फॉर एन आर्मी। राजू इतना नाटा है कि वह आर्मी बन नहीं सकता, इसको बनाना जल्दी से। राजू इतना नाटा है, छोटा है, जल्दी जल्दी आंसर 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 दो। तो इसका क्या हो जाएगा, राजू वाज टू का सो शॉर्ट, फिर जा करके क्या हो जाएगा दैट, राजू वाज सो शॉर्ट दैट। अब यहां पर राजू है तो राजू के लिए ही लेते हैं, यहां पे पास्ट है तो पास्ट के लिए कुड नॉट लेते हैं, कुड नॉट। और जैसे यहां पे दैट ये फोर है, इसके लिए स्पेशल बी आता है, बी एन आर्मी। राजू वाज सो शॉर्ट दैट ही कुड नॉट बी एन आर्मी। बन गया सबका?
वाह बहुत अच्छा, कंप्लीट है सभी का। दूसरा पॉइंट भी कंप्लीट हो चुका है जी सर, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। क्योंकि पहला पॉइंट जैसा था ना वैसा ही दूसरा पॉइंट है, दूसरा पॉइंट में तो और भी दिक्कत होना नहीं चाहिए यदि अच्छे तरीके से पहला पॉइंट समझ गए। इसमें ज्यादा नहीं मात्र चार पॉइंट है, कितना पॉइंट है मात्र चार पॉइंट है, और चार पॉइंट को आप कंप्लीट करो रिमूव टू समाप्त। कल भी हम क्लास लेंगे, रिमूव टू कल समाप्त हो जाएगा, कल भी क्लास लेंगे, इलेवेंथ का क्लास कल नहीं लेंगे लेकिन ट्वेल्थ का क्लास हम कल भी लेंगे क्योंकि कल क्लास आपका ले नहीं पाए थे, 7 बजे एक्टिव रहेंगे। और अभी हम चालू करने वाले हैं बैच 11th का, अभी तुरंत जस्ट चालू होगा, 8, 15, 20 तक में स्टार्ट करेंगे उसको, तो उस पर वो चालू होगा। तो आप लोग का जितने भी कोई फ्रेंड लोग हैं 11th में पढ़ रहे हैं उनको आप एक्टिव होने बोल दीजिए, अभी हम ऑनलाइन SW आप मैनेज कर लेंगे। एक से लेकर के 16 नंबर तक आपको राइटर्स नेम के साथ साथ कंट्री नेम को कंप्लीट कर लेना है, और कल ज्यादातर पूछताछ होगा, कल ज्यादातर पूछताछ होगा, हालांकि क्लास भी लेंगे पूछताछ भी होगा। तो आज का क्लास बस इतना ही, 11th वाले स्टूडेंट्स को आप बोल सकते हैं ऑनलाइन होने के लिए। तो बस आज का क्लास यहां तक, मिलते हैं हम लोग कल अपने टाइम पर 7 बजे। थैंक्स, विश यू ऑल द बेस्ट, जय हिंद।